जब जब दो प्रेमियों को याद किया जाता है, सबसे पहले अनुपमा और अनुज का ही नाम आता है, क्योंकि रोमांस फरमाने में तो अनुपमा और अनुज किसी से कम नहीं। लेकिन इस बार स्टार परिवार अवार्ड्स के मंच पर अनुपमा और अनुज न सिर्फ रोमांस फरमाएंगे, बल्कि धमाकेदार गाने पर बिंदास वाला डांस भी करेंगे, और उनका ये रूप देख कर सभी लोग हैरान भी होंगे। उन्होंने साड़ी का एक फ्यूजन, यू नो, घाघरा साड़ी, ताकि डांस में इजी हो जाए, वैसा वाला लुक दिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमें इतने बड़े मंच पे मौका मिला, यू नो, परफॉर्म करने का। जो सालों साल हम बैक बेंचर्स थे, सोचते थे कि कभी पास में जाके बैठने का मौका मिला, और आज स्टार परिवार ने अनुपमा की वजह से, राजन शाही की वजह से, स्टार प्लस नेटवर्क की रीच की वजह से हमें लिटरली पलकों पर उठा कर इस मंच पर रखा है। तो मतलब It's like a blessing. And this look is साड़ी है, और मुझे आज सब लोग कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी पतली लग रही हूँ, लेकिन जनरली आप अगर कॉटन की मोटी साड़ियाँ पहने तो उसमें आप लगते हैं थोड़े हैवी, तो ठीक है। आई एम ग्लैड आई एम गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्स। ये जलसा है, जैसे शूटिंग करने के बाद भी मैं दुर्गा पूजा में जाती हूँ, वहाँ भी हम लोग डांस वांस करते हैं। मैं शूटिंग करने के बाद भी गणपति में हम लोग डांस वांस करते हैं, मेरे को नाचना बहुत पसंद है। तो मेरे लिए ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक रिलीज़ है, ये एक क्या कहते हैं, रिजुविनेशन है, और पूरे स्टार परिवार को मिलने का एक मौका है। ये एक बहाना है कि हम सारे एक छत के नीचे आएँ और एक ऐसे नेटवर्क का, यू नो, एक ऐसे नेटवर्क को सेलिब्रेट करें जिसने हमें हर घर तक पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश में भी, हर जगह पर जहां भी हम जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कहीं भी हो, इंडोनेशिया हो, चाहे आप कहीं का भी आप ले लीजिए। अब मॉरिशियस में गई थी और मुझे लगा कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन वहाँ पे सब अनुपमा। सो ये इस नेटवर्क की मेहरबानी है कि वो हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स की मेहरबानी है कि हमें ये मौका दिया है कि
मैं अनुपमा बनकर आप लोगों के सामने आ सकूं, तो दिस इज जस्ट अ सेलिब्रेशन, देयर इज नो मेहनत, नथिंग, वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। भाई अनुपमा और अनुज ने ना सिर्फ अपना ये डांस एंजॉय किया है बल्कि एंजॉय किया है अपना फोटोशूट भी, जो इस परफॉर्मेंस के खत्म होते ही इन्होंने करवाया। वैसे इस परफॉर्मेंस के अलावा इनकी कई और परफॉर्मेंस भी नजर आएंगी, कई और रंग में ये प्यार फरमाते दिखेंगे, और अनुपमा वो तो दुल्हन के अवतार में भी नजर आएंगी। इट्स सो ब्यूटीफुल, ज्वेलरी इज सेमी प्रेशियस, सो ये बहुत ही खास लुक है, मतलब मैं इतना ज्यादा तैयार कभी भी नहीं हुई, एंड जिस तरह से डिटेलिंग पे ध्यान दिया, मतलब नथ से लेके ये बोरला से लेके सब कुछ, सो पूरा क्रेडिट कोशा को, जो प्रोड्यूसर हैं स्टार परिवार अवार्ड्स की, नेहा, और उसके बाद जो हमारे चैनल के लोग हैं लिंडा, अंकिता, इन सबको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यू नो दे डिसाइडेड टू, जब क्वीन बनाना है तो प्रॉपरली क्वीन बनाए। हक तो आप जब तब जमाएंगे ना जब आपको हक मिलेगा, मतलब आप जब बैक बेंचर रहते हो, चाहे मैं जितने भी मैंने हिट शोज़ किए हैं स्टार प्लस पर, लेकिन कभी ये औधा जो अनुपमा से मिला है वो नहीं मिला। शायद हर चीज़ का एक राइट समय होता है, चाहे यू नो, एंड यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस, और मैं तो कहती हूँ कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यू नो इस मंच पर इतना प्यार मिलेगा मुझे, जो आप लोग तो प्यार दे ही रहे हैं एज एन ऑडियंस। मेरा प्रोडक्शन हाउस मुझे बहुत प्यार देता है, राजन जी इज, मैं क्या ही कहूँ उनके लिए, वो मेरे लिए ही मीन्स अ लॉट टू मी। यहाँ स्टार चैनल से मुझे जितना प्यार मिलता है, एंड घर पे पति से भी बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छे स्वीट हार्ट इज, और मेरा बच्चा, बट ये इट्स जस्ट पीछे के रो में आप बैठते थे जहाँ आपको शायद ही कोई देखता था, मतलब आप आए गए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सारा भाई से थोड़ा आगे के रो में आके बैठने लगे, पर फ्रंट रो कभी नहीं मिला। अनुपमा से फ्रंट रो अभी तक तो छूटा नहीं है, उम्मीद है कि आगे भी ना छूटे। बस राजन जी ऐसे ही कहानी बनाते रहे, हमारे राइटर्स ऐसा ही लिखते रहें, और हमारे टेक्निकल क्रू, हमारे डायरेक्टर्स, एवरीबडी जस्ट कीप डूइंग द फैंटास्टिक वर्क दैट दे आर डूइंग, और मैं मेहनत करती रहूँगी, चाहे मेरा यू नो कहीं चोट लगी हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन मेहनत करती रहूँगी ताकि आप लोग को कभी मैं ये मौका ना दूँ कि आप लोग मुझसे प्यार करना बंद करते हैं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी और अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।